संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान, जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं पहुंचा हूं झारखंड के विधानसभा में। आप देख रहे हो कि झारखंड का विधानसभा ठीक हमारे पीछे है, और झारखंड के विधानसभा के सामने मैं आपको पॉलिटेक्निक का विधान बताने आया हूँ कि पॉलिटेक्निक में जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो अभी तक कुछ बच्चे फॉर्म भर लिए होंगे, तो उन्हें हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि अभी फॉर्म में सुधार किया जा सकता है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इसके आगे वीडियो में मैं JCCB के ऑफिस पे गया था और सर से मेरी बात हुई थी कि फॉर एग्ज़ाम जो होगा कैसा होगा, उसके लिए मैं आगे की वीडियोस में अभी बताऊंगा। लेकिन अभी फॉर्म फिलअप का टाइम है, तो सबसे पहले आप गलतियां क्या क्या कर देते हो जिससे आपको कॉलेज नहीं मिल पाता, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि पॉलिटेक्निक का विधान भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली बात है कि आप जब फॉर्म भर रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखना कि आप कैटेगरी में क्या भर रहे हो, क्योंकि OBC के बच्चे BC1 BC2 का गलती करते हैं, लास्ट में उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाता। ठीक उसी तरह से कुछ बच्चे जो झारखंड में हैं लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, और वो बच्चे जाति में भर देते हैं BC1 BC2 ST SC, और उनका जाति नहीं बनता तो उन्हें भी कॉलेज नहीं मिल पाता, उन्हें जनरल में भरना पड़ेगा। उसी तरह से कुछ बच्चे झारखंड के हैं और जनरल के हैं, उन्हें EWS का फ़ायदा नहीं पता, अगर उन्हें EWS बना लेते हैं तो एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है, क्योंकि फॉर्म भरते समय इन चीज़ों को ध्यान रखना है। साथ में इनका फ़ायदा आपको मिलता है, जैसे फिजिकल हैंडीक्रैफ्ट के बच्चे जो विकलांग हैं उनको फिजिकल हैंडीक्रैफ्ट वाला फॉर्म में यस करना पड़ेगा, जो सैनिक कोटा में आते हैं उसे SMQ पर ध्यान देना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा। और एक बड़ी बात, TFW कोटा हर कॉलेज में 5% सीट आरक्षित है गरीब बच्चों के लिए, जो TFW का फ़ायदा मिलता है। तो उम्मीद है कि आप TFW का ये फ़ायदा को समझ पाएंगे। जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए आय प्रमाण पत्र का होना जरूरी होगा TFW कोटा के लिए, तभी आप TFW यस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सबसे पहले तो आप ये जरूर देख लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हो, फिर आपके पास किन किन चीज़ों का बेनिफिट, मैंने पेपर जरूर होना चाहिए। अगर वो पेपर आपके पास नहीं है तो फिर उसे यस कर आप फंस जाओगे और आपका लास्ट में एडमिशन नहीं हो पाएगा कॉलेज में। और सबसे बड़ी बात, झारखंड, चूंकि मैं झारखंड से ही बना रहा हूं, तो झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र के बिना फॉर्म तो भर सकते हो, एग्जाम भी दे सकते हो, लेकिन एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन के समय झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी कुछ पॉलिटेक्निक की विधान है जो मैं आपको झारखंड के विधानसभा के सामने बता रहा हूं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब आपको जरूर बता दूंगा, और उससे रिलेटेड हो सके तो फिर मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो चलो, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया है कि JCEB से बहुत सारी बातें हुई है सिलेबस को लेकर, तो पहले फॉर्म भर लो, फिर एग्जाम की तैयारी के लिए एक एक चीज़ डिटेल से आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो चलो, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।